आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अंशु वर्मा, आप सभी का हमारे कॉम्पिटिशन कम्युनिटी परिवार की तरफ से स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य सेवा आयोग के मुख्य परीक्षा पेपर फोर्थ पार्ट सेकंड के गणित तथा तार्किक योग्यता के विषय में चर्चा करने के लिए मौजूद हैं। हम इस विषय को समझेंगे, इनसे जुड़े विगत वर्षों के प्रश्नों को चर्चा करेंगे और देखेंगे कि परीक्षा का क्या नेचर होता है और पेपर के पैटर्न को भी समझने की कोशिश करेंगे। उत्तर लेखन की विधि क्या होगी, उस बात पर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात, जो हमने 14 मार्च को डिस्कशन कम्युनिटी में प्रश्न प्रस्तुत किया था, उसके कई उत्तर आए, बहुत सराहनीय उत्तर आए हैं और उस पर क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, हम यहाँ पे उत्तर लेखन के साथ आपको बताने की कोशिश करेंगे। 13 मार्च को जो कुछ डिस्कशन कम्युनिटी में क्वेश्चन प्रस्तुत किए गए थे, उन क्वेश्चन के आंसर्स बहुत ही सराहनीय हमें मिले हैं। कुछ नाम मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे राजेश, राकेश, मधुलिका, साक्षी, ये कुछ चुनिंदा लोग थे जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन उत्तर लिखा है। अब हम आज के टॉपिक यानी कि जो 14 मार्च को डिस्कशन कमेटी में टॉपिक पेश किया था, औसत, नदी व नाव या समय गति व दूरी या वराहमिहिर के गणित में योगदान के बारे में, उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे और पहले पैटर्न को समझेंगे और कैसे उत्तर को प्रस्तुत करना, कैसे हमारी वो थिंकिंग प्रोसेस होगी, उस बारे में हम सोचेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पेपर का पैटर्न समझने की कोशिश कीजिएगा, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, किस पैटर्न में प्रश्न पूछे जाते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि 2 मार्क्स क्वेश्चन कितने होते हैं। देखिए, 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो कुल मिला के 6 होते हैं, 6 क्वेश्चन होते हैं। जाहिर सी बात है, अगर 2 मार्क्स से 6 क्वेश्चन हैं तो टोटल जो इसका मैक्सिमम मार्क्स होगा वो 12 होगा। उसी प्रकार से 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो 3 होते हैं और उनका भी जो मैक्सिमम मार्क्स है वो कुल मिला के 12 होगा। उसके बाद हम 8 मार्क्स पे आते हैं, तो 8 मार्क्स के मैक्सिमम क्वेश्चन 2 होते हैं और जिसका मैक्सिमम मार्क्स 16 होगा और 10 मार्क्स के भी 2 होते हैं। कुल मिला के हम देखें तो ये बात देखने को मिलेगा कि सिलेबस के हिसाब से हम ये देख पा रहे हैं कि 60 नंबर का टोटल सिलेबस है। लेकिन आप ये बात पर गौर कीजिएगा कि वर्ड लिमिट कितनी है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में वर्ड लिमिट कितनी होती है, 4 मार्क्स के क्वेश्चन में वर्ड लिमिट कितनी होती है, सिमिलरली 8 मार्क्स और 10 मार्क्स के क्वेश्चन में कितनी वर्ड लिमिट होगी। लेकिन यहाँ पे जो गणित है, यहाँ अंकों का खेल होता है, यहाँ पे आपको शब्दों पे नहीं जाना है, अंकों पे जाना है। तो आप इस चीज़ का मैटर बिल्कुल भी मत कीजिए कि कितने शब्द हमें लिखने होंगे या नहीं लिखने होंगे। आपको कंसिडर ये करना है कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन में हमारे पास कितनी लाइन्स होगी, 3 लाइन्स होगी, और 4 मार्क्स के क्वेश्चन में कितनी लाइन्स होगी। जैसे ये 30 वर्ड लिमिट होता है 2 मार्क्स के क्वेश्चन में, तो 3 लाइन्स है, तो उसी प्रकार से अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो जो लाइन्स होगी 60 वर्ड के लिए 6 लाइन्स होगी। और सिमिलरली जब 8 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो मैक्सिमम वर्ड लिमिट 100 का होता है, तो 10 लाइन्स आपके पास होगा। सिमिलरली 10 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए 12 लाइन्स। अब देखिए, जो लेखन जो विधि होती है वो 2 प्रकार से होती है। या तो आप एक उत्तर को लिखने के लिए पूरे के पूरे 3 लाइन का इस्तेमाल कर लीजिए। अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 3 लाइन्स इस्तेमाल करने में आपको उत्तर लिखने में मुश्किल हो सकता है। उसी प्रकार से आपके पास दूसरी विधि ये होगी कि आप 2 कॉलम में डिवाइड कर लीजिए। अगर आंसर शीट कुछ इस प्रकार से है, मान लीजिए ये आंसर शीट है आपके पास और इस तरह से आपको उत्तर लिखना है, तो या तो आप ऐसे कीजिए कि सिंक्रोनाइज वे में इसको 2 पार्ट में हल्की लाइन से डिवाइड कर लीजिए, या डिवाइड करने का भी जरूरत नहीं है, कुछ इस प्रकार से सिंक्रोनाइज वे में लिखिए कि वो खुद ब खुद डिवाइडेड दिखे। इससे ये होगा कि आपके पास मैक्सिमम लाइन्स होगी। ये जो 3 लाइन्स थी ये डबल होकर 6 लाइन्स हो जाएगी। सिमिलरली ये जो 10 लाइन्स है ये 20 लाइन्स हो जाएगी। इस प्रकार से अगर लिखिएगा तो फिर जो है आपको लाइन्स कम नहीं पड़ेगी, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब हम डिस्कशन कम्युनिटी में आंसर्स देखते हैं तो देखते हैं कि कई बच्चे जो है जो मैक्सिमम लाइन्स होगा उससे भी ज़्यादा लाइन्स यूज़ कर रहे हैं, तो उसको अगर इस तरह लिखिएगा तो है आपको आपसे क्या होगा कि वहाँ पर जो गलतियाँ होने की संभावना है वो नहीं होगी। अब हम देखेंगे, आगे देखेंगे। मैंने पिछले वीडियो में ये बात बताया था कि कोई भी प्रश्न अगर आपके सामने है तो सबसे पहले आपका दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए। देखिए, अगर मान लीजिए कि यह आपका थिंकिंग प्रोसेस है, सबसे पहली बात यह है कि आपको उस प्रश्न के प्रति आपकी कल्पना बननी चाहिए। कल्पना ये बननी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि प्रारंभ कहाँ से करना है और प्रश्न का अंत कहाँ जाके होगा, ये बात आपको पहले पता होनी चाहिए ताकि जब आप उत्तर लिखने लगे तो आपसे कोई गलती ना हो। और दूसरी बात ये होगी कि आपका जो प्रस्तुतीकरण है, जो आप प्रेजेंट करेंगे, वो इतना बेहतरीन होना चाहिए कि जो देखने वाला है वो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स वहाँ पे दे। तो आप
आपके लिए जो सेकंड बात बहुत इंपॉर्टेंट है वो है सही प्रस्तुतिकरण की। इसके बाद जो तीसरी बात हो जाती है, इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि इन दोनों बात के बाद तीसरी बात ये हो जाती है कि आप इस आंसर शीट का जो आकर्षकता है वो बहुत ही ज्यादा होना चाहिए, देख के वो बहुत ज्यादा आकर्षक लगना चाहिए। और ये तीन चीजें तब जाके हो पाएगी जब आप यहां पे पहली बात प्रारंभ और अंत आपको पता होगा, उस प्रश्न का प्रारंभ कहां से करना है और अंत कहां होगा ये बात आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद दूसरी बात ये हो जाती है कहीं ना कहीं कि आपको ये बात भी पता हो कि आपको फॉर्मूले का इस्तेमाल कहाँ करना है और कहाँ नहीं करना है, फॉर्मूले का इस्तेमाल ज़्यादा भी ना हो और ज़रूरत के हिसाब से भी हो। तो यहाँ पे फॉर्मूले का जो इस्तेमाल है, फॉर्मूला का यूज़ है, वो भी आप बहुत बेहतरीन तरीके से कर पाए ताकि आपके लाइंस ज़्यादा कंसिडर्ड ना हो। और तीसरी बात ये हो जाती है कि आपका जो समीकरण है, जो इक्वेशन है, उसका उपयोग भी बहुत बेहतरीन तरीके से हो ताकि आपको फॉर्मूला का इस्तेमाल बार बार ना करना पड़े, आप समीकरण का इस्तेमाल करके ही उत्तर अच्छे से लिख पाए। तो समीकरण का यूज़ भी आपको अच्छे से करना चाहिए। इन तीन बातों के बाद चौथी बात ये हो जाती है कि आपको आंसर शीट का यूज़ बहुत अच्छा करना है। तो आंसर शीट का यूज़ बहुत अच्छे से आप कैसे करेंगे, वो इस तरीके से करेंगे, या तो आप दो कॉलम में डिवाइड कर लीजिए या आप बहुत ही बेहतरीन सिंक्रोनाइज वे में आप आंसर दीजिए। तो इन बातों को आप ज़रूर फॉलो कीजिए ताकि आपका उत्तर जो है बहुत ज़्यादा आकर्षक लगे, आपकी प्रस्तुतिकरण इतनी अच्छी हो ताकि उत्तर जाके आकर्षक लगे। अब हम प्रश्नों की ओर आगे बढ़ेंगे। हमारे पास ये तीन टॉपिक है जो हमने डिस्कशन कम्युनिटी में आपके सामने पेश किया था, पहला औसत, दूसरा समय गति व दूरी, तीसरा नदी व नाव। इसके अलावा वराहमिहिर का योगदान के बारे में भी हमने आपसे पूछा था, वो हम अंत में जाके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम कुछ ब्रीफिंग कर लेते हैं, चाहे वो औसत को लेके हो, चाहे वो समय गति व दूरी को लेके हो, चाहे वो नदी व नाव को लेके हो। सबसे पहली बात, औसत के बारे में अगर कोई भी जानकारी नहीं होगी किसी को भी, तो एक बात वो जानता होगा कि औसत जो होता है वो कुल योग बटे कुल संख्या होता है। और अगर हम इसे इंग्लिश में लिखें तो ये कुछ हो जाता है, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। देखिए जो प्रश्न होता है वो बहुत बेसिक लेवल का होता है, कक्षा दसवीं के लेवल का होता है, लेकिन आपको उत्तर कक्षा दसवीं के लेवल का नहीं लिखना है, कुछ इस तरह से उत्तर पेश करना है कि वो आपकी मैच्योरिटी को पेश करे। सम ऑफ ऑल टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, तो ये बेसिक फॉर्मूला आप याद रखिए। कहीं ना कहीं अगर आपको औसत दिया होगा तो कुल योग निकालने आ सकता है, और कुल संख्या निकालना हो तो फिर आप कुल योग और औसत का उपयोग कर सकते हैं, इसको कैसे भी इंटरचेंज करके आपको एक वैल्यू निकालने को मिलेगा। ये बेसिक फॉर्मूला आप याद रखिए। इसके बाद हम देखेंगे समय गति व दूरी का भी थोड़ा सा ब्रीफिंग ले लेते हैं। समय गति व दूरी में किस फॉर्मूले का इस्तेमाल हमको यूजली पड़ सकता है, इस बात को हम देखते हैं। तो हम क्लास सिक्स से एक फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं, गति के बराबर होता है दूरी बटा समय, जिसे हम इंग्लिश में लिखते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। यहां पे आपको कुल मिला के जो है कि कुछ ना कुछ, जैसे अगर इसकी डिटेलिंग दी हुई है, तो ये निकालने को होगा, या फिर ये दोनों दिया है ये निकालना है, कुछ इस प्रकार से फॉर्मूला बस होगा, कुछ नहीं बस आपको घुमाया जाएगा। तो ये भी एक बेसिक फॉर्मूले पे ही पूरा प्रश्न रहेगा, समय गति व दूरी पे। अगर बाय द वे क्वेश्चन आ गया कि रेलगाड़ी पे प्रश्न आ गया और आपको दूरी निकालना है या फिर समय निकालना है, तो आपको किस बात पे ध्यान देना है ये देखिए। रेलगाड़ी के प्रश्नों में देखिए, यहां पे रेलगाड़ी के प्रश्नों में क्या होगा, रेलगाड़ी के प्रश्नों में जब दूरी निकालने के लिए होगा तो आपको ये बात समझ लेना है कि रेलगाड़ी की लंबाई के साथ प्लेटफॉर्म की लंबाई जुड़ जाती है, जो कुल मिला के कुल दूरी हो जाती है। यहाँ पे आपको कुल मिला के इसी बात का ध्यान देना है, और सिंपल सा क्वेश्चन होगा, उसको आप बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाए, जितने लाइंस आपके पास होंगे है ना, उस लाइंस में आप रिप्रेजेंट कर पाए। और आपको डिटेलिंग में जाना है तो हमारे CGPSE मोबाइल कोर्स में आप देख सकते हैं हर एक टॉपिक को डिटेलिंग में। इसके अलावा FTR में भी कुछ वीडियोस थे जिसमें आप ये कुछ टॉपिक्स देख सकते हैं। चलिए इसके बाद जो है नदी व नाव के बारे में हम थोड़ा सा जानकारी रख लेते हैं प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले।
अब हम नदी व नाव के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। देखिए नदी व नाव में हमें बेसिकली क्या पढ़ना है इस बात पे ध्यान रखिए। देखिए नदी किस प्रकार से होती है, कुछ इस प्रकार से नदी होती है और नदी में धारा होती है। धारा को हम इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रीम। तो धारा का अपना प्रवाह होता है। मान लीजिए नदी के धारा का प्रवाह इस तरफ है और धारा के प्रवाह का भी तो कोई गति होगा। अगर वो इस तरफ बह रही है तो कुछ गति से बह रही होगी। इस गति को हम मान लेते हैं वाई। धारा की गति को हमने y मान लिया, धारा उस तरफ बह रही है। अब मान लीजिए कि इसी नदी में एक नाव है, एक नाव है जो कि जिसकी अपनी गति है, जिसकी अपनी गति जो है वो है x है। इसकी अपनी गति x है, चाहे वो इस तरफ प्रवाहित हो चाहे इस तरफ प्रवाहित हो, है ना, इसकी अपनी गति x होगी। अब देखिए दो परिस्थितियां बनेगी। दो परिस्थितियां किस प्रकार से बनेगी। पहली परिस्थिति ये बनेगी कि धारा के अनुकूल अगर नाव बह रहा है तो फिर इसकी गति क्या हो जाएगी। मान लीजिए हम बचपन में साइकिल चलाते थे, जब ढलान आता था तो साइकिल का स्पीड भी बढ़ जाता था। तो इसी प्रकार से ये जो कंडीशन हो जाएगा, इसमें स्पीड इसकी बढ़ जाएगी। जब कंडीशन किसका होगा, जब कंडीशन होगा अनुप्रवाह का। अनुप्रवाह को और क्या कहते हैं, अनुकूल परिस्थिति, अनुकूल परिस्थिति। और इसके अलावा इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, इंग्लिश में कहेंगे इसको डाउनस्ट्रीम। जब डाउनस्ट्रीम का कंडीशन होगा तो धारा की गति और नाव की गति आपस में जुड़ जाएगी। अब इसके विपरीत कंडीशन आ जाए और नाव इस तरफ ना बह के जो है, नाव मान लीजिए कि एक और नाव है जिसकी गति भी x है और वो इस तरफ बह रही है, इस तरफ बह रही है और धारा उस तरफ बह रही है, तो अब गति बताना होगा। तो गति कितनी होगी, देखिए इस बात पे ध्यान रखिएगा कि नाव धारा किस तरफ भी बहे लेकिन नाव कहीं ना कहीं बहते हुए जा रही है। इसका मतलब यह है कि नाव की गति धारा की गति से ज्यादा होगी। नाव की गति धारा की गति से ज्यादा तो होगी लेकिन अपोजिट साइड होगी। इसके कारण क्या होगा, इसकी गति कम हो जाएगी। और इसकी गति कम हो जाएगी, इसका मतलब क्या है कि इसकी गति कुल मिला के एक्स माइनस वाई हो जाएगी। x माइनस वाई इसकी गति हो रही है और इस परिस्थिति को हम क्या कहेंगे, इस परिस्थिति को हम कहेंगे प्रतिकूल परिस्थिति। और भी जो जो टर्म्स में हम इसे डिफाइन कर सकते हैं वो ये है ऊर्ध्व प्रवाह कंडीशन हिंदी में, और वही जो इंग्लिश में अगर कहेंगे तो ये कहेंगे कि अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम। अब इन टॉपिक्स का ब्रीफिंग लेने के बाद हम प्रश्नों की ओर आगे बढ़ेंगे। डिस्कशन कम्युनिटी पे जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो ये था, एक कार 25 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है, इसकी गति को किलोमीटर प्रति घंटे में प्रकट करिए। जो यूनिट था उसको चेंज करना था। देखिए आप रिप्रेजेंटेशन देखिएगा, जो ब्लैक पेन्स है वो हिंदी में है, जो ब्लू पेन्स है वो इंग्लिश में है। लाइन सबसे पहले काउंट कीजिए, कितने लाइन्स में आंसर हो जा रहा है, 1 2। अगर हम ये दोनों भी काउंट कर ले 3 4 5। देखिए मैक्सिमम लाइंस हमारे पास 6 होगी, तो 6 लाइंस में आ जाना चाहिए। अब देखिए गति दी हुई थी तो गति हमने लिखा, यहाँ समीकरण 1 लिख दिया। इसके बाद सिमिलरली इंग्लिश में भी हमने यही किया है। हम यहाँ पे हम जानते हैं 18/5 से अगर गुणा करेंगे तो जाके वो वहाँ पे उत्तर दे देगा, लेकिन हमको यहाँ थोड़ा रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कि ये चीज़ें आई कैसी है। तो 1 मीटर प्रति सेकेंड, 1 मीटर बराबर 1/1000 किलोमीटर होता है। तो 1 मीटर की वैल्यू ये हो गई और 1 सेकंड की वैल्यू होती है 1/3600 घंटा। तो ये डिनोमिनेटर पे है, ये हर पे है, तो इसी प्रकार से ये 1/3600 जो रहेगा उल्टा रहेगा क्योंकि ये भी हर पे रहेगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। देखिए इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमें थोड़ा भी कटिंग नहीं करना है, जिससे थोड़ी भी मतलब आंसर सेट में थोड़ी भी त्रुटि ना दिखे और त्रुटि के साथ साथ गंदगी भी ना दिखे। इसके बाद ये 18/5 को भी दूसरा समीकरण बनाना है और यहाँ पे समीकरण 1 और 2 का उपयोग करके आपको सीधे सीधे उत्तर प्रकट कर देना है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न बनेगा और इस प्रकार से आप उत्तर प्रस्तुत कीजिएगा तो आपको बहुत बेहतरीन अंक प्राप्त होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक धनात्मक पूर्णांक का वर्ग उसके 11 गुना से 80 अधिक है। पूर्णांक लिखिए, द स्क्वायर ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर इज 80 मोर देन इट्स 11 टाइम्स, फाइंड द इंटीजर। देखिए इस प्रश्न का हल तो यहाँ पे मौजूद है, लेकिन आपको इस हल के अलावा भी बहुत कुछ चीज़ें सीखनी है। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि कुल यही प्रश्न आ जाए, प्रश्न कुछ भी आ सकता है, लेकिन आपको सीखने की बात क्या क्या है इस बात पे गौर कीजिएगा। सबसे पहली बात, अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपके पास लाइंस कितने होंगे, 6 लाइंस होंगे। देखिए ब्लैक में अगर हिंदी में देखें तो 3 4 5 6 लाइंस, ब्लू इंग्लिश में देखें तो भी 6 लाइंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद अगली बात क्या है, अगली बात ये है कि हमें यहाँ पे देखिए पहले प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न में पूर्णांक हमने x माना है
प्रश्नानुसार जो भी बात वर्ड प्रॉब्लम में कही गई थी उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। और ये हम देख पा रहे हैं कि ये द्विघातीय समीकरण है, द्विघातीय समीकरण है। तो इसको अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ब्रेक कर दें, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ब्रेक कर दें तो ये कुल मिला के ऐसे अंक देगा। अब यहाँ से हमने x कॉमन लिया तो x माइनस 16 हो गया, यहाँ 5 कॉमन लिया तो x माइनस 16 हो गया। अब हमारे पास दो वैल्यू आ रही होगी, x प्लस 5 और x माइनस 16। लेकिन हमें प्रश्न में पूछा गया है धनात्मक पूर्णांक बताना है, धनात्मक पूर्णांक बताना है। इसका मतलब ये है कि जब x माइनस 16 इज इक्वल टू 0 होता है तो 16 की वैल्यू उधर जाती है तो वो एक धनात्मक पूर्णांक देती है, अगर 5 उस तरफ जाता तो वो ऋणात्मक पूर्णांक देता, तो उत्तर जो होगा वो 16 होगा। उसके अलावा यहाँ पे ये भी देखना है हमें, यहाँ पे हम ये प्रश्नानुसार शब्द का उपयोग कैसे करें, और उसके अलावा इस शब्द के अलावा हम परिस्थिति के अनुसार शब्द का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे माना जाए हमें इस्तेमाल करना है, जिसे हम इंग्लिश में सपोज या लेट गिवन भी इस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इस तरीके से हमें उत्तर प्रस्तुत करना है। और अगर मान लीजिए वर्गीकृत करना है तो ऐसे पहला स्टेप ऐसा, सेकंड स्टेप करके आप ऐसे, थर्ड स्टेप ऐसे करके, फोर्थ ऐसे लाइन्स खींच के आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। अब इसके बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, एक रेलगाड़ी 144 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रही है, इसकी गति मीटर प्रति सेकंड में बताइए। देखिए ये जो पहला प्रश्न था कुछ इस प्रकार का ही प्रश्न है, आपको करना ये है कि वहाँ पे जो दूसरे यूनिट के साथ आगे बढ़े थे वहाँ मीटर पर सेकंड के साथ आगे बढ़े थे, यहाँ पे हमें किलोमीटर पर आवर के साथ आगे बढ़ना है। और जैसे हमने कन्वर्ट किया था तो 18/5 आया था, कहीं ना कहीं कटिंग हमें शो तो नहीं करना है लेकिन 18/5 आया था, तो इसमें 5/18 आएगा। और 5/18 आएगा तो मैं ऐसे रफली आपको एक बार बता देता हूँ। देखिए गति दिया हुआ है 144 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसको इक्वेशन 1 दीजिएगा, और फॉर्मूला जो होता है, फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक किलोमीटर प्रति घंटा को आप कन्वर्ट जब कीजिएगा तो आपको मिलेगा किलोमीटर के जगह पे 1000 मीटर और घंटे में 3600 सेकंड, और इसको जब सिंप्लीफाई कीजिएगा तो 5/18 मीटर पर सेकंड। अब जब इन दो इक्वेशन का इस्तेमाल कीजिएगा तो आपको जाके कैंसिल आउट होके 18 के टेबल में आप देख लीजिएगा तो 8 टाइम्स में 144 आएगा, तो 40 मीटर पर सेकंड उत्तर मिलेगा। कुछ उसी उत्तर को आपको थोड़ा सा कन्वर्ट करना है और आपको सही उत्तर प्रस्तुत करना है। चलिए इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो देखते हैं, अगला प्रश्न है, एक नाव धारा की दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा धारा की विपरीत दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए इस प्रश्न में मैंने आपको ब्रीफिंग जो दिया था नाव के बारे में, नाव और धारा के बारे में, नाव की अपनी एक चाल है और धारा की अपनी एक चाल है, वो हमें ज्ञात करना है अंत में जाके। लेकिन सबसे पहली बात जो हमारा प्रस्तुतिकरण होता है या फिर आप कहिए जो हमारी कल्पना होगी प्रारंभ से लेकर अंत तक, वो हमारे आंखों के सामने होनी चाहिए। और खास बात यह है ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसका मतलब क्या है, आपके पास कुल मिला के 12 लाइन्स होंगे। और काउंट कर जब हम करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 में जाके ये आंसर कंप्लीट होता है। अब हम प्रस्तुत कैसे करेंगे ये देखिए, हमें सपोज करना है, हमें मानना है नाव की चाल स्पीड ऑफ बोट वो एक्स, और यहाँ धारा की चाल मतलब स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी कि वाई। अब यहाँ आते हैं जो गिवन है, गिवन क्या है, नाव धारा की दिशा में अगर बहती है तो उसकी स्पीड 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, अगर वो डाउन स्ट्रीम कंडीशन पे है तो उसकी स्पीड कितनी हो जा रही है, 12 किलोमीटर पर आवर। अब वही अप स्ट्रीम में है, विपरीत दिशा में है तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा, जो विपरीत दिशा में होगी वो कम होगी जो अनुकूल परिस्थिति है उससे। अब यहाँ पे आते हैं, हमने किया क्या, हमने ये दोनों, हमने वैसे तो 4 समीकरण बनाए थे लेकिन ये दो समीकरण अभी जाके उपयोगी है, क्योंकि हमें पता है कि हमें ये एक्स फाइंड करना है, ये x फाइंड करने के लिए हमें अगर इस दो समीकरण का उपयोग करके इन दोनों को जोड़ दें तो कहीं ना कहीं जाके x हमें मिल जाएगा, तो हम इसे जोड़ देते हैं, जोड़ते हैं तो हमें अंत में जाके 10 किलोमीटर प्रति घंटा क्या मिल जाता है, नाव की चाल मिल जाती है, और धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा मिल जाती है। अब आखिरी में हम ये चाहे तो ये लिख सकते हैं अगर हमारे पास लाइन्स मौजूद है, अतः नाव की चाल
और धारा की चाल। यहाँ स्थिर जल में लिखा है, देखिए ये तो अंडरस्टूड होता है कि अगर नाव की चाल है तो स्थिर जल में ही होगी, तो अगर आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, नहीं तो स्पेस नहीं है तो नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं। अब इस आंसर के बाद हम अगला आंसर देखेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि 15 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है और 20 लड़कियों की औसत आयु 14 वर्ष है, यदि लड़के और लड़कियों को मिला दिया जाए तो इन 35 विद्यार्थियों की औसत आयु क्या होगी। देखिए ये प्रश्न औसत का प्रश्न है। मैंने आपको ब्रीफिंग में एक फॉर्मूला बताया था, ये फॉर्मूला आपको मैंने बताया था, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, जो डिटेलिंग दी गई है उस प्रकार से आगे बढ़ना है। सबसे पहली बात, ये कितने मार्क्स का प्रश्न है, 4 मार्क्स का, तो हमारे पास कितने लाइंस होंगे, 6 लाइंस होंगे, और डबल कॉलम कर दे तो 12 लाइंस होंगे। तो मान के चलिए हमारे पास 12 लाइंस है, मैंने एक ही कॉलम में बना दिया है, लेकिन आपको सेपरेट करना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। आप अगर इसको हाफ हाफ सेपरेट करके सेकंड कॉलम में बनाइएगा तो बहुत अच्छा सिंक्रोनाइज वे में लगेगा, बहुत आकर्षक लगेगा। देखिए जो गिवन था 15 लड़कों की औसत आयु, यहाँ पे आप रहिएगा, आपको ये बात तो आपको कुल योग वाली आपको निकालनी ही है, कुल योग आपको निकालना पड़ेगा। इसीलिए जब औसत आयु दिया हुआ है या औसत जब भी दिया होगा आपको योग निकालना पड़ेगा, जोड़ निकालना पड़ेगा, सम निकालना पड़ेगा। 15 लड़कों की आयु का योग 225 वर्ष हो जाएगा, 15 × 15 = 225। इसके बाद 20 लड़कियों की औसत आयु अगर 14 वर्ष है तो इनका आयु का योग करेंगे तो 20 × 14 = 280 वर्ष हो जाएगा। अब फॉर्मूला जो है औसत बराबर कुल योग बटे कुल संख्या का एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स वाला, तो इसमें अगर आप वैल्यू ये देखिए यहाँ पे ये इस्तेमाल भी आपको करना है, इसका मतलब होता है चूंकि या इसलिए या सिंस और इसका देयरफॉर, ये दोनों का भी इस्तेमाल आपको समय पे करना है। फॉर्मूला लिखते समय ये इस्तेमाल जरूर करना है और फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते समय ये इस्तेमाल करना है। उसके बाद 35 विद्यार्थियों की औसत आयु में अब वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ कोई भी कटिंग नहीं होगा, यहाँ पे हमने समीकरण लिया था, अब यहाँ साइड में लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से, उसके बाद आपको उत्तर मिलेगा। और अगर आपके पास लाइन्स है तो आप अंत में इस तरह से उत्तर लिख सकते हैं। इस प्रकार से 2 कॉलम का यूज करके आप बनाइएगा, जैसे ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 है तो यहाँ से आप 6 है यहाँ पे, तो यहाँ से आप जो है कॉलम चेंज कर सकते हैं। इस प्रश्न को समझने के बाद अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। संतोष अपनी यात्रा का प्रारंभिक भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तथा शेष भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए कुल 320 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करता है, उसके यात्रा का प्रारंभिक भाग कितने देर में समाप्त हुआ। देखिए इस प्रश्न में पूछा है कि यात्रा का प्रारंभिक भाग कितने देर में समाप्त हुआ। प्रश्न का उत्तर यहाँ पे है, लेकिन हमें स्टार्ट कैसे करना था, अंत तो आपने देख लिया, प्रारंभ कैसे करना था वो देखिए। जब इसमें समय पूछा गया है तो आपको एक्स समय मानना है। कुछ लोगों को ये भी डाउट हुआ होगा कि प्रारंभिक भाग दूरी के हिसाब से ले लेते हैं, प्रारंभिक भाग में तय की गई दूरी एक्स किलोमीटर ले लेते हैं, इस प्रकार का भी डाउट हुआ होगा, लेकिन आपको अंत देखना है कि पूछा क्या गया है। जब बात समय की पूछी गई है तो आपको स्टार्ट जो है सपोज करके समय का ही करना है। समय आपने सपोज कर लिया प्रारंभिक भाग का तो ऑटोमेटिकली शेष भाग कितना हो जाएगा, कुल अगर दूरी 6 घंटे में तय की गई है तो शेष भाग 6 − x घंटे में तय की गई होगी। अब ये 2 स्टेप लिखने के बाद आप फॉर्मूला पुट कीजिए, फॉर्मूला आप पुट किए गति बराबर दूरी बटा समय का। यहाँ पे देखिए आवश्यकता क्या है, आपको आवश्यकता आपको अंत में जाके समय निकालने की है, लेकिन समय तब निकलेगा जब इसकी वैल्यू इक्वेट किससे होगी, इसकी वैल्यू इक्वेट होगी कुल मिला के दूरी से। देखिए अगर हम d1 + d2 = टोटल डिस्टेंस के फॉर्म में इसको लिख दे, और यहाँ पे डी हमेशा एक्स के फॉर्म में आएगा क्योंकि समय एक्स घंटे और अंत में जाके हमें एक्स मिल जाएगा, तो इस फॉर्म में लिखते हैं। तो प्रश्न अनुसार जो पूछा गया है, प्रारंभिक दूरी धन शेष दूरी जो कुल मिला के कुल दूरी होती है उसको आप इस फॉर्मूला के बेसिस पे आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, 60 × x किलोमीटर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, दूरी जब गति गुणे समय होती है और समय प्रारंभिक की ये है और गति जो है बताया गया है प्रश्न में कि 60 है, तो आप यहाँ पे ये फॉर्मूला का यूज करके यहाँ पे दूरी d1 आपने यहाँ बना दिया।
इसके बाद यहाँ पे शेष दूरी के लिए डी टू आपने बना दिया। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कीजिएगा, जो है ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो हमारे पास 10 into 20 लाइन्स हो जाती है, तो लाइन्स बहुत है हमारे पास, तो इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे आप पहुँच जाइएगा। एक्स की वैल्यू 4 आएगी, यहाँ पे 4 आवर्स नहीं है, 4 है, लेकिन जब आप समीकरण 1 और 2 का उपयोग करते हैं तो आप जान पाइएगा, जब यहाँ पे आप 4 की वैल्यू पुट कीजिएगा तो ऑटोमेटिकली उत्तर में 4 घंटे आ जाएंगे। तो इस प्रकार से प्रस्तुत कीजिएगा उत्तर। अब इस प्रश्न को समझने के बाद अगले प्रश्न में आएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी स्कूल में पिकनिक का कार्यक्रम बना, लड़कियों की संख्या 30 है, कुल छात्रों की वो 60% है, पिकनिक स्थल स्कूल से 55 किलोमीटर की दूरी पर है तथा ट्रांसपोर्ट कंपनी ₹15 प्रति किलोमीटर की दर से किराया लेती है, जलपान इत्यादि में कुल खर्च ₹4,250 है, यदि स्कूल के 2 शिक्षक भी छात्रों के साथ जा रहे हैं तो प्रति व्यक्ति खर्च ज्ञात कीजिए। देखिए इस प्रश्न में क्या आपको करना है, सबसे पहली बात, 2 तरह से खर्च हो रहा है, एक ट्रांसपोर्ट में, एक जलपान में, जलपान में कुछ खर्च हो रहा है और कुल ट्रांसपोर्ट में, मतलब कि किराया जो होगा आने जाने का। दूरी दी गई है 55 किलोमीटर दूरी दी गई है, और अगर 55 किलोमीटर दूर स्कूल से पिकनिक स्पॉट है तो जब 55 किलोमीटर इस तरफ आप जाइएगा तो वापस भी आइएगा, तो कुल मिला के 110 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी, 110 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी। अब इसमें यह बताया गया है कि जो छात्राओं की संख्या है वो 60% है, छात्रों की संख्या से संख्या में 30 है, तो आप x की वैल्यू निकाल लीजिएगा, x की वैल्यू निकालिएगा तो कुल छात्रों की संख्या आ जाएगी, कुल छात्रों की संख्या आ जाएगी। तो आप यहां से प्रश्न को आगे पढ़िएगा तो आप देख पा रहे होंगे कि 2 शिक्षक भी है, जब 2 शिक्षक भी है तो इनका भी ट्रांसपोर्ट का खर्चा होगा, इनका भी ट्रांसपोर्ट का खर्चा होगा और कुल छात्रों का भी ट्रांसपोर्ट का खर्चा होगा, इन दोनों को आप ऐड कर दीजिएगा, ₹15 पर किलोमीटर जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपको एक इक्वेशन आ जाएगा जो कुल किराए का इक्वेशन होगा, और दूसरा इक्वेशन जो गिवन है जलपान का वो आप समीकरण के रूप में प्रस्तुत कीजिएगा और इन दोनों को सम कर दीजिएगा, इन दोनों को जोड़िएगा तो कुल खर्च आ जाएगा, कुल खर्च जो आएगा उसको आपको डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, कुल छात्रों की संख्या प्लस ये 2 शिक्षक से, तो कुल मिला के आपको अंत में उत्तर जो है प्रति व्यक्ति खर्च का मिल जाएगा। इस प्रश्न को समझने के बाद हम अगले प्रश्न पे आएंगे। इसके बाद हम अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, 10 मार्क्स का प्रश्न है, वो ये है कि हमें वराहमिहिर का गणित में दिए गए योगदान का हमें चर्चा करना है, हमें बताना है, एक बहुत ही बेहतरीन उत्तर हमें लिखना है इसका। देखिए वराहमिहिर के द्वारा लिखा गया 3 पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, पंच सिद्धांतिका, बृहद संहिता और सूर्य सिद्धांत, ये 3 पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 3 पुस्तकों के अंदर जब हम जाते हैं तो हम ये देखते हैं, पंच सिद्धांतिका में हिंदू खगोल विज्ञान के इतिहास के बारे में चर्चा की गई है, और उसके बाद हिंदू का खगोल विज्ञान के बारे के इतिहास के बारे में चर्चा की गई है। उसके बाद जब हम अगले पुस्तक में आते हैं बृहद संहिता में, उसमें ज्योतिष, ग्रहों की शांति, घरेलू संबंध, ग्रहों की गति, रत्न मोती और अनुष्ठान के बारे में चर्चा की गई है। इसके बाद जब हम अगले पुस्तक में आते हैं सूर्य सिद्धांत पे, तो सूर्य सिद्धांत पुस्तक के अंतर्गत हमने ये पाया है कि वराहमिहिर ने बताया था कि मंगल ग्रह का व्यास जो है 3772 मील है, लेकिन वर्तमान में उसे ना स्वीकार करके 4218 मील को स्वीकार किया गया है। उन्होंने इस पुस्तक के अंतर्गत एक और बात बताई थी, एक और चीजों को समझाया था, वो था सौर ग्रहण और चंद्र ग्रहण। ये 3 पुस्तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इनके अंदर की जो बातें हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इन 3 पुस्तक के अलावा उनका जो योगदान है वो अब हम देखेंगे। 3 पुस्तकों के योगदान के बाद हम और देखते हैं कि वराहमिहिर का योगदान कैसे रहा गणित के लिए, हम देखते हैं। देखिये वराहमिहिर ने त्रिकोणमितीय सूत्रों की भी खोज की है, त्रिकोणमितीय जिसे हम ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज कहते हैं उनकी भी खोज की है, और उसके अलावा वराहमिहिर जो है जो बाकी गणितज्ञ थे उनके भी शोध को वो टेस्ट करते थे, और उनसे अगर उनसे भी बेटर कोई सटीकता वो दे सकते थे, उनसे बेटर भी अगर प्रिसाइज वैल्यू दे सकते थे तो वो उन प्रयासों में लगे रहते थे। उन्होंने आर्यभट्ट की साइन जो वैल्यू थी उसको और भी उनकी सटीकता में सुधार किया, और भी प्रिसाइज वैल्यू दिया है उन्होंने। उसके अलावा उनका जो एक और योगदान था वो ये था कि उन्होंने बीजगणितीय गुणों में भी योगदान दिया है, और उन्होंने ये बताया है कि शून्य के बीजगणितीय गुण होते क्या है, और इसके अलावा उन्होंने नकारात्मक संख्याओं को भी परिभाषित किया है, नेगेटिव नंबर्स को भी उन्होंने परिभाषित किया है। इन सब योगदानों के बाद जो आखिरी उनका योगदान होता है जो हमने पॉइंट्स में बनाया है वो ये है कि
पास्कल के त्रिभुज के एक संस्करण को खोजने वाले पहले गणितज्ञों में से एक थे। देखिए जो पास्कल का जो ट्रिग्नोमेट्रिकल जो वो एडिशन होता है उनका भी उनका उनका खोज करने वाले गणितज्ञों में से एक वो भी थे, और उनका इस्तेमाल उन्होंने द्विपक्षीय गुणांक यानी कि बायनोमियल कोफिशियंट्स में किया है। तो कुल मिला के उनका योगदान जो था वो बहुत ही सराहनीय था। आप देखिए इन प्रश्नों पे सबसे पहली बात है उनकी निजी जिंदगी की चर्चा नहीं करेंगे और अच्छे पॉइंट्स बनाएंगे ताकि जो है जो प्रश्न की मांग है उस प्रकार से पॉइंट्स बनाएंगे। ये जो गणितज्ञों पे जो हम डेली टॉपिक देते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम ये संभावित प्रश्नों में समझ रहे हैं कि 10 अंक के इनमें से कोई प्रश्न आ सकते हैं। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि यह आपने नोट कर लिया होगा, और इसके बाद आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। और मुझे और भी आपके डिस्कशन कम्युनिटी में रिप्लाई का वेट रहेगा, और उसके बाद फिर हम अगला टॉपिक देखेंगे। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।